जिला में बिजली की बदतर स्थिति से लोग परेशान। 28 जनवरी को डीवीसी कार्यालय गेट पर आंदोलन को लेकर बनाया जाएगा रणनीति। आपको बता दें कि रामगढ़ जिला में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। लोग बिजली कटौती से परेशान हो गए हैं। लगातार हो रही बिजली कटौती के विरोध में रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष धनंजय कुमार पुटुस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर ही उनकी प्रतिमा के सामने बिजली के लिए मौन प्रदर्शन कर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया था। वहीं पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत रामगढ़ के आम लोगों व अपने समर्थकों के साथ मिलकर धनंजय कुमार पुटुस ने रामगढ़ के बिजली विभाग और डीवीसी के कार्यालय पहुंचकर उनके गेट पर लालटेन टांग दिया था और मोमबत्ती जलाकर बिजली कटौती के प्रति अपना विरोध जताया। वहीं आम लोगों को संबोधित करते हुए धनंजय कुमार पुटुस ने कहा कि बिजली की बदतर स्थिति से रामगढ़ जिला के सभी लोग परेशान हैं, साथ ही व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, छात्र अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आम जनता खुद को असहाय महसूस कर रही है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे में हम रामगढ़ की जनता को राजनीति के चक्कर में पिसने नहीं देंगे। सरकार एकदम निरंकुश हो चुकी है। बिजली की जो खराब स्थिति है, पूरा रामगढ़ जिला त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। आने वाले दिनों में बोर्ड का परीक्षा होने वाला है, बच्चों लोग का पढ़ाई बाधित हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दिन भर में 16 से 17 घंटे बिजली का कटौती किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार और सिस्टम कान में तेल डाल करके सो चुका है और ये नेता लोग की राजनीति के चक्कर में आम जनता पीस रही है। ऐसा हम लोग तो होने नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अभी तक बिजली के इस आंदोलन को हम लोग रूप देने का काम किया है। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि अब शांतिवादी तरीके से लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। रामगढ़ जिला में बहुत लाइन कटता है, हम लोग को पढ़ने में दिक्कत होता है, तो इसे सरकार को ध्यान देना चाहिए।